मोस्ट वेलकम है ऑनलाइन क्लासेस में। आप तो सभी जो डेली देखते हैं उसको तो मालूम ही है, यूजीसी नेट, जीआरएफ और पीएचडी तीनों के लिए एक ही एंट्रेंस जो है। जैसे हाई रैंक लाएंगे जीआरएफ होगा, और उससे लो रैंक होगा तो यूजीसी नेट होगा, और सबसे लो होगा तो आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए उसी रैंक के आधार पर होगा। यूजीसी नेट जो आप एंट्रेंस दीजिएगा उसी के आधार पर। तो चलिए जानते हैं कि जून में 2024 में जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं यूनिट से, उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये पेपर सेकंड है, पॉलिटिकल साइंस। जनरल पेपर तो रिसर्च पेपर होता है, तो सभी जानते ही हैं। चलिए आइए, हम आते हैं टॉपिक पे। यूनिट 6 का है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति, इंडिया फॉरेन पॉलिसी। उत्तर अपने औपनिवेशिक विकासात्मक उदयमान शक्ति तथा उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान। नेक्स्ट टॉपिक है, सभी नोट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी तक वीडियो ये पहुंचे और सभी अपना लाभ उठाए। सेकंड टॉपिक है भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव। सिद्धांत तथा राजनीतिक तत्व, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा प्रासंगिकता, भारत की परमाणु नीति। नेक्स्ट है प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध, इंडिया रिलेशन विद मेजर पावर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत यूनियन, रूस, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। बहुध्रुवीय दुनिया के साथ भारत का संबंध, इंडिया रिलेशंस विद द मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसमें है आपका यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध, ब्रिक्स, आसियान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकी संघ, दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। नेक्स्ट टॉपिक है पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध, इंडिया रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज। इसमें आगे आपका SAARC, सार्क, गुजराल सिद्धांत, लुक ईस्ट एक्ट। इसका अर्थ होता है पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर कार्य करो। लुक वेस्ट, पश्चिम की ओर देखो। अंतरराष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की परिक्रमण राजनीतिक, इंडिया नेगोटिएटिंग स्ट्रेटेजी इन इंटरनेशनल गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस। संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जलवायु परिवर्तन पर जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समसामयिक चुनौतियां, कंटेम्पोररी चैलेंजेस। इसमें है समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रवासन तथा शरणार्थी, जल संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर सुरक्षा। ये सभी टॉपिक आप यूनिट 6 में पढ़ेंगे। और जितने सारे हैं ये एक एक टॉपिक को जो है विश्लेषण करके मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। हर टॉपिक का विश्लेषण होगा और हिंट इंग्लिश में भी है, हर टॉपिक का जो है दिया जाएगा। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किए हैं चैनल तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम आप लोग के पास जो है हर टॉपिक का जो है आपको, हम अभी तो सिलेबस बता रहे हैं, सिलेबस का जो है टॉपिक बाय टॉपिक हम बता रहे हैं, उसके बाद फिर इसका टॉपिक बाय टॉपिक, यूनिट बाय यूनिट आपको विश्लेषण करके बताएंगे ताकि आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है ये जानकारी होगा, कहाँ कहाँ से आता है। तो आप लोग हमेशा
ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग लाइव अटेंड करें ताकि एक एक टॉपिक को आपको अच्छे तरह से समझाया जाएगा। ओके, मोस्ट वेलकम है। आप तो हमको जानते ही हैं, मेरा नाम हुआ डॉक्टर डीके। तो आप ऑनलाइन में हमेशा आप शामिल हो ताकि हम एक एक टॉपिक को जो है अच्छे से विश्लेषण करके हम आपको वीडियो को अच्छे तरीके से इंग्लिश में भी और हिंदी में भी हर टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे। ओके।